हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप सब हाजरीन और नाजरीन को प्यार भरा सलाम अदाब। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। CIA के एक नए एपिसोड के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़वातीन और हज़रात, इतवार का दिन है, आप लोग घर में होंगे तो ATV तो आपने ऑन किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो ऑन कर लें, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ, है ना परेशानी वाली बात। लेकिन उन्हें पता है कि 10 से 12 CIA लगता है वो बैठे हुए हैं। आप मुझे पागल समझते हैं? उन्हें पता है, हमारे नाजरीन को पता है जी कि हफ्ता और इतवार को 10 से 12 CIA आता है और 2 घंटे बहुत मज़ेदार गुजरते हैं जी, आप इंजॉय करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फीडबैक आता रहता है जी। एक नंबर स्क्रीन पर चलेगा 03-200-88-7701 पे आप कॉल करके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव बैठ के आप शो को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा A+ UK और यूरोप में जो हमारा चैनल शुरू हुआ है जी, वहाँ से बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। अगर आपने आना है तो आने से पहले बताएं जी, हम इन दिनों में वहाँ होंगे तो हमें वहाँ जाके क्या करना होगा, किस नंबर पर कॉल करनी होगी, फिर आप आएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है जी। आप भी ज़रूर आएँ, ये UK और यूरोप वालों के लिए जी। 00447467419366 पे आप कॉल करके बताइएगा। जब आप पाकिस्तान आएंगे तो हम खुद आप नहीं चाहिए, काम जो है वो काम है। कितने बच्चे हैं जो अपने घर में हाथ बिटाते हैं अपनी अम्मी का, अब्बू का, बड़े भाई का काम में? कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4 घर के काम जो करता है, सच बताना है, घर के काम 2, 4, 6, 8, 10 तकरीबन 50% लोग हैं जी जो घर का काम करते हैं जी। करना चाहिए, मेहनत में अजमत है जी। तरक्की वही बंदा करता है जो मेहनत करता है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जी बाप ने बहुत सारा कमा लिया है, बाप ने बहुत सारा छोड़ दिया है, तो बाप भी अपनी औलाद को लाड प्यार में बिगाड़ के रख देता है और वो कहता है नहीं जी मेरा पुत्र काम करेगा, की लोड़ है उन्हें काम दी। लेकिन काम के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, बाप ने जितना मर्जी छोड़ा हो। तो ऐसे वालदैन के लिए भी है जी कि जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, अल्लाह ने हमें बड़ा दिया हुआ है, दरिया दे दरिया खाली हो जाते हैं, जब खाली होने पर आते हैं तो सब कुछ चला जाता है। जब आप उससे काम को बढ़ाएंगे नहीं आगे, तो एक वक्त आएगा वो ख़त्म हो जाएगा और आपके जाने के बाद आपके बच्चे, जिनके लिए आप इतनी मोहब्बत और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उसको काम अपने सामने नहीं लगवाना चाह रहे, तो बाद में जाने के बाद पता नहीं क्या हालात होंगे उनके, कैसे उनको काम की आदत भी नहीं होगी और जो माल जमा किया आपने अगर वो भी नहीं रह गया तो फिर आप सोचें कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो पहले अपने बच्चों को जितना अल्लाह ने दिया है, कम दिया ज़्यादा दिया, लेकिन अपने बच्चों को काम की आदत डालनी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके माँ बाप बड़े मेहनती हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना कोई काम काज करते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद अपने वालिद के साथ वो अपनी वर्कशॉप में, अपनी दुकान पे, अपनी किसी भी जगह जाके वो काम भी सीखते हैं और पढ़ते भी हैं, वो उनको डबल फ़ायदा है। क्योंकि हर बाप जिसके अंदर कुछ कमियां होती हैं वो अपनी औलाद में देखना चाहता है कि किसी के पास गाड़ी नहीं है, वो ये सोचेगा यार मेरे बच्चे के पास, मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार ली है, मेरे बच्चे के पास मेरे पास गाड़ी नहीं रही तो मेरे बच्चे को अल्लाह ज़रूर गाड़ी दे, अगर मैंने मिडल किया हुआ है तो मैं अपने बच्चे को कोशिश करूंगा FA करवाऊँ, FA वाला कोशिश करेगा मास्टर करवाए, मास्टर वाला सोचेगा मैं और 8-10 डिग्रियां दिलवाऊं। तो हमेशा बाप जो है वो अपनी खामियां अपने बच्चे में नहीं देखना चाहता, उसको बहुत आगे लेके जाना चाहता है। और बड़ी ज़बरदस्त एक कार्टून पिछले दिनों मैंने देखा, एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, बहुत बड़ी खाई है, उस पर एक बंदा जो है उसने इस पहाड़ी पर भी पैर फंसाए हुए हैं और सामने वाली पहाड़ी को मजबूती से पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर उसका बच्चा जा रहा है कि पस्ती से बुलंदी तक लेके जाने के लिए बाप ब्रिज का काम करता है। एक तरफ उस इलाके को बड़ा गरीब सा दिखाया गया है जहां पे बाप के हाथ थे, जहां से बेटे ने चल के वहां तक जाना था, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी,
यानी बस्ती से तरक्की तक, बाप एक ब्रिज का काम करता है अपने बच्चों की तरक्की में। अपने माँ बाप की इज्जत करें और खूब पढ़ें, और उसके साथ साथ काम चोरी नहीं करनी, आपने काम जरूर करना है। तो आज जनाब काम की अजमत और काम की बरकत हम बताएंगे जी। हमने एक फैमिली का पीछा किया जी, क्योंकि हम ये बात, क्योंकि हम जी पीछा करते हैं मसाइल का, बहुत सारी खबरों का। तो आज हमने पीछा किया जी कैसी फैमिली का, जहां पे माँ बाप नहीं है और एक बहन है जो काम करती है, उसके दो भाई हैं, वो कोई काम नहीं करते। अब क्या मसला है, वो क्यों काम नहीं करते, और वो बहन जो है वो अपने भाइयों को भी पाल रही है, मेहनत भी कर रही है, उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, सारी बातें हम चल के पूछेंगे जब वो फैमिली आएगी। लेकिन हम एक मैसेज जरूर देते हैं अपने हर शो में, लेकिन हंसते खेलते हुए। मजा उसी बात का आता है कि आप सीधी बात करना शुरू कर देंगे, बंदा बोर हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं जी कि मैसेज भी चला जाए, और एटीवी के जो प्रोग्राम है स्पेशली, वो उनमें यही होता है जी कि हम सबक कोई ना कोई जरूर होता है। तो हमारे शो में यही है जी कि हम हंसते खेलते हुए मसाइल पे रोशनी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे कोई ना कोई फायदा मुस्तफीद हो जाए, फायदा उठाए। अगर 1% 2% भी लोग अगर हमारे शो से कोई फायदा उठाते हैं तो हमारी बहुत बड़ी इसमें जीत होती है। 20 करोड़ आबादी में से 1-2% भी, तो हमें बड़ी खुशी होती है जी। हमारा मकसद पूरा हो जाता है यहाँ आने का, काम करने का, आप लोगों के आने का। ब्रेक का वक्त हुआ है जी, उस फैमिली से मिलेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन मुझे पता चला है यहाँ कोई बच्चा गाना गाना चाह रहा है, तो मैं गाना सुन के जी ब्रेक पे जाऊँगा। कौन है जी वो, माइक उसे दें। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख दूं पलकों पे मैं, खोलूं पल के हाँ मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ, आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर, दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और मैं बेला ग्रुप के लिए भी बहुत सारी तालियां जी। तो खवातीन हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद उस फैमिली से मिलवाऊंगा जिसमें दो भाई हैं एक बहन है, वो क्या करते हैं, ब्रेक के बाद पता चलेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम जी। बहुत शुक्रिया जी आपकी तालियों में। जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसी फैमिली का पीछा किया जी मेरी टीम ने, उनको यहां आज बुलाया हमने। एक बहन है जी घर में, दो भाई हैं, बहन काम करती है, भाई काम नहीं करते, क्यों नहीं करते अभी पता चलता है, उनको बुला के पूछेंगे। सबसे पहले तशरीफ लाती हैं वो मेहनती बहन, जो खुद काम भी करती हैं, अपने आप को भी पाल रही हैं, अपने घर को भी पाल रही हैं, दो भाइयों को भी पालती हैं। आपकी भरपूर तालियों में मिस रुखसाना। अरे वैसे बात की है, मैं क्या हो गया, मतलब मुझे मुझे बचपन से ही काम करना बहुत अच्छा लगता है। मेहनती हैं आप जी, शुक्र है अल्लाह का। रुखसाना पीए, पीए के मतलब पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा पीए आप? हाँ, मेरी डेजिग्नेशन है जी जी, बिल्कुल ऑफिस में काम करते हैं। फैमिली में क्या है जरा बताएं मेरे हाजरीन और नाजरीन दोनों को पता चले। मैंने कहा जी कि वो आएंगी, वो आपको बताएंगी कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी है जी, बहुत पहले, और मेरे दो भाई हैं
तो वो छोटे होंगे? नहीं नहीं माशाल्लाह छोटे नहीं है, जवान है, बल्कि गबरू जवान है। और बस मैं काम करती हूँ और मेरे भाई सेल करते हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था भाई छोटे हैं शायद, लेकिन भाई गबरू जवान बड़े हैं। बड़े हैं माशाल्लाह जवान। तो वो काम नहीं करते? नहीं, वो क्यों काम करे, मैं मर गई हूँ, मैं काम करती हूँ ना। लो बाजी 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 काम कर रही है तो मेरे भाइयों को क्या जरूरत है? जो मेरा भाई मुंह से निकालता है कि बाजी ये चाहिए, विदिन सेकंड्स बाजी लाके देती है। आज मुझे एक्चुअली वो पे मिली है ना, तो मैंने भाइयों को खाने पे लेके जाना है। अच्छा, उनको खाने पे लेके जाना? हाँ, जल्दी करें, मेरे भाइयों के खाने का अरेंज किया हुआ, टेबल बुक कराया हुआ है। अच्छा, मैं समझा कि छोटे भाई हैं, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई, बड़े भाई हैं और काम नहीं करते आप? क्यों काम करें, मैं जिंदा हूँ अभी, जब उनकी मर्जी का काम मिलेगा वो कर लेंगे, आपको पता है। अच्छा, उनको मर्जी का काम नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, देखें कहीं आप जॉब करते हैं, सुबह सुबह कहते हैं 9, 10, 11, 12 बजे आ जाओ, अब वो उठते हैं 2-3 बजे, कैसे उठे बेचारे, उनको नहीं। आपने बहुत लाड प्यार से उन्हें पाल ली है। हाँ जी बिल्कुल, बिगाड़ दी है मेरे, मैं ये कहूंगा आपने बिगाड़ दी। नहीं नहीं, बिगाड़ा नहीं है, देखो आप मतलब मेरे भाई हैं, जब जैसे ही उन्हें भी कोई आप जैसा रिश्ता मिलेगा, यू नो घर दामाद, तो फिर अपना मैडम रुखसाना जी, रुखसाना पिए, रुखसाना पिए, हाँ रुखसाना पिए, आपको किसने कहा मैं घर दामाद हूँ? तुम्हारी सास मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है फेसबुक पे। तो यू नो जो मैडम आप... एक मिनट ठहरो मैडम, मैं किस किस्म दी अफवाह फैला रहे हो तुसी? जो आप ऑफ कैमरा, आप मैं मेरा अपना घर है, मैं वहां रहता हूँ। आप कह रहे हैं आपके ससुराल का घर है, यू नॉटी बॉय। देखिए वो एक एक अदद मोटा आदमी है ना, उसने ये अफवाहें फैलाई हैं। ये मेरी जो है ना मैडम सास, मैं उनको मैडम कहता हूँ, वो ऐसी बात नहीं कर सकती ना, ऐसी बात है। लेकिन आप ऑफ कैमरा जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो सारे मुझे दिखा देती हैं। देखिए जी, आज हमारा शो भी काम और मेहनत पे है, मेहनत में करता हूँ मैं खुद, बहुत मेहनत करते हैं। आपकी सास बता रही थी कि कॉलर तो मैं लेनी अच्छी उतार दे। बिल्कुल सही है, मैंने कपड़े भी धोए हैं लेकिन अपनी अम्मी के साथ, मैंने झाड़ू पोछा भी किया लेकिन अपनी वालदा के साथ, मैंने हांडी भी पकाई है, मैं करता रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा था, मेरी बहन छोटी थी, फिर भाई, फिर बहन, तो घर का बड़ा जो बच्चा होता है वो समझो कि आपा परवीन ही होता है। सही वो बात अपनी है। माँ के साथ जरूर काम करवाता है, तो मैंने करवाया। पहले अपनी माँ के लिए करते थे, आप बीवी की माँ के लिए करते हैं। आपकी लाइफ ये गलत बात है, ये आप नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने टेबल बुक कराया मेरे भाइयों को। अच्छा, आपके पास टाइम नहीं है? मेरे चलो जाओ। अच्छा बात तो सुन रहे हैं। हाँ जी, क्या हो गया, सीरियस ही हो जाते हो? टेबल बुक कराया हुआ है मैंने भाइयों को, आज शॉपिंग कराऊंगी उनकी, यू नो सर्दी आ गई है तो विंटर की थोड़ी शॉपिंग करनी है, खाने पे लेके जाना है अपने भाइयों को, क्योंकि उन्होंने ना 8 बजे के बाद टीवी देखना है, मूवीज देखनी है, 2-3 बजे सोना है, तो उस टाइम में वो मुझसे बात नहीं करते। कितने जवान भरा ने जिन्हें 8 बजे टीवी भी देखेंगे, मूवी भी देखेंगे, काम भी कोई नहीं करते, खाना भी बहन ने खिलाना है। 8 बजे के बाद अगर मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना होता है ना, तो वो बोल देते हैं कुक को ना कि बाजी से को हमारे पास टाइम नहीं, हमने मूवी देखनी है, तो चिल करने दो, मैं उनकी बाजी जिंदा है, बाजी जब तक है मेरे भाई काम नहीं करेंगे। तो बाजी मर गई तो फिर वो क्या करेंगे? आप अभी अपनी आंखों के सामने जीते जागते उनको किसी काम पे लगा दें? नहीं नहीं, मैं क्यों मरूं, मरे मेरा मंगेतर। अच्छा, आप की शादी नहीं हुई अभी? मुझे चमुआ आ रही है। अभी शादी नहीं हुई? अभी नहीं हुई, जॉब करती हूँ, हार्ड वर्क करूँ। अच्छा, काम करती आपके क्योंकि हाथ मजदूरों वाले लग रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा है। अच्छा, मेरा मंगेतर भी यही कहता है, बड़े तेरे खरादिया वर्गे हाथ ने। You know, अच्छा, आपकी मंगनी हो चुकी है? हाँ। अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं। हालांकि मैं समझ रहा था कि आपके 2-3 बच्चे भी होंगे। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे तो शादी अभी तक क्यों नहीं की? देखिए, जब मेरे भाइयों का कोई फ्यूचर बनेगा, मैं अपने भाइयों की शादियां करूंगी। हाँ। उनकी बीवियां आएंगी, फिर उनके बच्चे आएंगे। हाँ। जब उनके बच्चों की जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो वो खुद काम करेंगे। अच्छा, फिर आपकी शादी होगी? हाँ। ये तो फिर ना ही होया ना जिंदगी में, ये तो ना करने वाली बात हुई ना। बच्चे अभी आप उनको सेट करेंगी, आप उनकी शादियां करवाएंगी, फिर अपनी शादी करेंगी। एक दफा मैंने अपने एक भाई को जॉब दिलवाई, उसने जाते सार एमडी के मुंह पे मुक्का मार दिया। एमडी के मुंह पे? हाँ, उसने कहा था कि आपने काम ठीक नहीं किया, तो ये अभी आदत नहीं है ना, जब आदत पड़ेगी तो काम कर लेंगे, क्या जल्दी है रैम्बो, जल्दी करो, मैंने अपने भाइयों को लेके जाना है। चलो ठीक है, मैं आपके, अच्छा आपके भाइयों को भी आज हमने बुलाया। हाउ स्वीट, चलो हम यहीं से निकल जाएंगे। यहीं से आप निकल जाइएगा, तो आप तशरीफ रखें, बैठे। बहुत शुक्रिया।
शॉपिंग करनी हो ना कभी, बॉयज की शॉपिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ, अपने भाइयों की सब चीजें, शूज, मोजे, एवरीथिंग मैं खुद लेती हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है जी, आप अपने भाइयों का इतना ख्याल करती हैं। जाहिर है भाई, आपकी तरह सास के लिए थोड़ी शॉपिंग करती हूँ, भाइयों के लिए करती हूँ। नॉट बैड, पता नहीं क्या अफवाहें फैलाई हुई हैं मिर्जा साहब, क्या पता नहीं क्या बातें हैं, हालांकि सब जानते हैं कि जी ऐसी बात नहीं जी, है। जी सब जानते हैं, जिस मेरे दिन आपके घर, मेरी सास को भी अच्छी तरह जानते हैं और मुझे भी जानते हैं। मैं भी आपको जानती हूँ, जिस दिन आपके घर निहारी पके सास की टूथपिक लेने मॉडल टाउन जाते हो। सुना है मैंने आपके भाइयों को बुलाने से पहले मुझे एक जरूरी बात करनी है, वॉशरूम जाना है। अच्छा, इसके अलावा जरूरी बात नहीं हो सकती, इससे भी ज्यादा एक अहम बात है। क्या? वो ये है कि मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाएंगे तो आपके चेक बनेंगे, ब्रेक पे जाएंगे तो सब खुश होंगे, ब्रेक पे जाएंगे तो ये शो चलता रहेगा, चेक मिलेगा तो अपने भाइयों को शॉपिंग कराऊंगी। तो खवातीन हज़रात, ब्रेक का वक्त भी हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुखसाना पीए माशाल्लाह आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, आप बहुत मेहनती हैं, आपने अपने आप को कुर्बान किया हुआ है। नहीं, कुर्बान किया? आपने शादी नहीं की तो इसमें कुर्बानी, कुर्बानी वाली क्या बात है, तुमने शादी करके क्या खट ली है? नो टेंशन, देखिए शादी, लड़की की शादी हो तो तभी अच्छा रहता है, शादी कर लेनी चाहिए, आपकी उम्र गुजरती जा रही है, लेकिन भाइयों के लिए आपने कुर्बानी दी है, और उन भाइयों को नाजरीन और हाजरीन देखना चाहते हैं, वो गबरू जवान है, काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, फिल्में भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, खाना भी बाहर से खाते हैं, और बहन की कमाई पे। लेकिन उनके साथ ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करना, फिर वो हाइपर हो जाते हैं, सीधा कुसन मारते हैं। चले जी, उनके ऊंची आवाज में नहीं करूंगा, हालांकि मेरा आज गला खराब है तो शायद मुझे जोर लगाना नहीं, पड़ेगा। डांटना नहीं, बिल्कुल बहुत वो माइंड कर जाएंगे, बिल्कुल डांटना नहीं। चले मैं बुलाता हूँ उन्हें जी, आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जी, इनके हट्टे कट्टे जवान भाई जो वेले हैं, काम नहीं करते, क्या नाम है उनका? मिठू ते बबलू। मिठू क्या हुआ? तशरीफ लाते हैं जी, मिठू ते बबलू। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हो? है अंकल, आज बहुत प्यारे लग रहे हो। हाँ, ऐनक भी लगाई हुई है, लग रहा प्रोग्राम बेल्ट करते हैं अंकल। अच्छे हैं, मजाक नहीं करते होते, सीधी ऐसी छोटी सी चपेट मारते होते हैं। ये हमारे अंकल है, ये अंकल देखो, आपका ये शो बहुत अच्छा है। ये घड़ी देखो। हाँ जी, देख रही है। इसके अंदर सोने का पानी फिरा हुआ है। इसमें तुम्हारी तुम्हारी क्या कमाल है, ये यकीनन बहन ने लेके दी होगी। लो तो, और किसने लेके देनी है, हम कौन सा काम करते हैं। ये जूते देखो, ये जूते देखो। हाँ देखे, ये मेरी बाजी दुबई से लेके आई थी। अच्छा, गई भी नहीं, लेके आ गई। ये गिफ्ट, गिफ्ट, मेरे वाले देखे, ये जूते देखो। ये बाजी सुबह सुबह पहन के वॉक करती है। ये बोला भाई ने कहाँ से लिए? कहाँ से? मस्जिद से। नहीं, बाजी ने लेके दिए। अच्छा जी, आप सर से पांव तक बाजी का हर चीज पहनी हुई है। हमारी बहन है भाई, और किसने खिलाना है, हम अपनी बहन का नहीं खाएंगे तो किसका खाएंगे। ओए, अपना खाते हुए मौत पड़ती है, अपना भी खा लो। ये गैरतमंदों वाली बातें हमें ना करो। ऐसी बात नहीं है, हमारी बाजी है ना, हम खाएंगे। हाँ, तुम्हारी बाजी, हमारी बाजी है, बाजी खाओ। यार हट्टे कट्टे जवान है, आपने अभी तक इनको ज़हनियत बच्चों वाली रखी हुई है। मैंने क्या मतलब, इनको डेली फीडर में दूध डाल के देती हूँ बच्चों वाली। अभी तो बच्चों की तरह। कोई बात नहीं, शादियाँ होंगी। तुम्हारी बहन है ना, मेरा बबलू, बबलू, बबलू हाइपर नहीं होना, बबलू मिठू। मैं बबलू, ये यबलू, ये लबलू, बल्कि अच्छा। हमें तो लोग कुत्तुक मीनू भी कहते हैं। अच्छा, हमारे नाम तो नहीं पुकारते। कहते वो जा रहे हैं रुखसाना के भाई। इतनी मेरी बाजी, इतनी आपकी इज्जत है? हाँ। ये इज्जत नहीं है बेवकूफो। क्यों? ये बेइज्जती है। तो क्यों हुआ, इसमें कौन सी बात है? अल्लाह ने इज्जत दी है ना हमें, ये बेइज्जती समझता है। बेइज्जती भी इज्जत वालों को ही होती है, कभी तुम्हारी हुई है? कोई कराता है मंगनी और कोई करता है शादी। हाँ। सबसे अच्छी हमारी बाजी।
हमारी बाजी दिन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, इस तरह कमाती रहे और हम खाते। बाजी आज मुझे मैंने गुड़ वाला पिज्जा खाना है। गुड़ वाला पिज्जा क्या होता है? नहीं, गुड़ गुड़ करके खाना है। मैंने ना बाजी मैंने फलीता वाला खाना है। फलीता बाजी फलीता नहीं होता, फजीता। ओके फजीता बाजी। मैंने दबाने का ना सूप पीना है। पहले भी आप दबाने का जूस होता है। इनकी बाजी जिंदा है, वो लेके आएगी दुआने का सूप। हमारी बाजी जिंदाबाद, हमारी बाजी जिंदाबाद। जरा अंकल हैदराबाद। अंकल हैदराबाद, बाजी हमारी साथ का बात। देखा? आते सार मेरे भाइयों ने रौनक लगा दी है ना। मेरे बच्चे, मेरा शो ना मेरा, तुम्हें मैं तुम्हें होस्ट की उम्र भी लग जाए। रहने दो साल, दो साल का एहसान ना करो हम पे। नहीं अभी तो जवान है, जवान है, अभी तो हीरो है, हमसे वो बड़ा है। हाँ, लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। हम इतने थे जब इनका शो देखते, रेंबो रेंबो जान रेंबो, इतने बच्चे होते हैं थोड़े से बड़े, कल बिल्ली के बच्चे कह लो, इंसान का बच्चा कम से कम इतना शेर के बच्चे है। अरे आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। अबे एक मिनट, आपकी तारीफ यासिर, तीनों मेरे साले ने, तीनों। अरे यासिर आप बताओ, ये आपकी बेच खड़ा, मैं तेन भी बेच खड़े देता। आप कौन है? ये यासिर, यासिर मेरे मंगेतर। मैं यासिर मंगेतर। आप हैं इनके मंगेतर? जी बिल्कुल, ये मंगेतर। हाँ, बगैरता की जोड़ी। यासिर बाजी ने ऐसे किया, चमड़ जो बचो, जेदा मोटा ना, जेदा मोटा, वो जेदा मोटा, जेदा मोटा, कद्दू कद्दू कद्दू। हेलो मिठू, मिठू और बबलू, जेदा मोटा कह दिया ना, अब जेदा टिड़पटा नहीं कहना। ये मारे पे जो हिसाब होने वाले, कहना कुछ नहीं, तेरी डेट ऑफ बर्थ ते लानत है। एक मिनट, जिस दिन तू इस दुनिया ते आई है ना, उस दिन तू लूण तो वो इस दुनिया ते आई कदरी जम्मी हाथ तो अच्छी ना। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपका दुख समझता हूँ, मैं आपका दुख समझता हूँ। नाया भी कर, मरिया ले लिया दी, वो आ रही तेरे को। अच्छा मुझे आपसे हमदर्दी है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं समझ गया हूँ। मुझे सारे प्रोग्राम में बताया गया कि आपकी बचपन से मंगनी हुई है। मेरा भी जी चाहता है, मैं घर दामाद हूँ। हमारा बहन हो, हम खेलेंगे बेटू बेटू। आपने अपनी बहन नहीं मुझे बकरी दी है, इधर से भी तो हाथी है। मैंने इधर से हाथी है, इधर उसकी सूंड है। यार एक मिनट, कोई ना बोले, मुझे आपसे हमदर्दी है। आपकी बचपन की मंगनी हुई हुई है, शादी नहीं हो रही इनकी वजह से, इनकी वजह से। और की बीमार खोते, क्या हुआ, क्या हुआ यासिर? बाजी आपको पता है आई लव यू टू। सारी बजरी बजरी लग गई मुझे, बजरी करते हो तुम, बिल्डोजर हो गए हो। चले जाओ, तुम मेरी आंखों के आगे से क्यों तुम हो जाओ तुम भाई यार। आई लव यू फिटम, आई लव यू दो बार फिटम। मैंने आपके कौशल के साथ पटाखे मांगने हैं। आप बैठो, दोनों बैठो, आप तशरीफ रखें। आप इधर बैठो, आप इधर बैठो। ये भी तुम्हारी बहन का झूला है, लो सारा करो सारा थाम के। तो अपनी बहन का ही खाती है, तुम्हारा खाती है, तुम अपनी बहन का खाते हो, बहन का खाते, तू तो भैंस का भी खा जाता है। आप बैठे, हमारे अंकल रैंबो का शो है। अंकल एडम, अंकल रैंबो का शो। चलो बैठो अंकल रैंबो। ये देखो इधर ही लेटे रहने दो, साथ ही इसका अपेंडिक्स का भी कर दो। आ जाओ इधर, आओ बैठो इधर, आओ भाई। यासिर आपको पता है हमारी प्यार करते हैं, हमारी बहन के ऊपर बुलडोजर गिर गया।
आप तशरीफ रखें। दिल आखिर ये गिरना तो है ही ना। आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमसे प्यार नहीं करते। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मेरा दिल चाहता है आप पे तेजाब डालूं। है मेरे भाई यासिर, आपको पता है कितनी जल्दी हमारी शादी होगी? तू कहते भूल गए, मैंने भी पराना कह दें। चल आप तशरीफ रखें। अभी तो शादी नहीं हुई। अभी तो मैं आप तुम्हारी बहन से इतना प्यार करता हूँ, इतना लव करता हूँ। आप बताइए पहले कटिंग करेंगी शेव? मेरी बाजी की ना कटिंग कर दो अपने जैसी। हेलो, वो तो मस्जिद से पंखा उतार ले तो हो जाएगी। आपकी शादी नहीं हुई, बराबर ना बैठो, नीचे बैठो। फैसला रखो थोड़ा सा। मेरी बात सुनो। देखो बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी, बस मैं इनकी शादियां कर दूं। हां बहुत जल्द हो जाएगी, पिछले 20 साल से मैं सुन रहा हूं। यासिर इनकी शादियां हो जाए, दो दो तीन तीन बच्चे हो जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। एक मिनट, सारी डिटेल से बात करेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है, थोड़ा सा सांस ले लें। आप ब्रेक लेनी बाजी, मैंने भी ब्रेक लेनी है। आपके ब्रेक नहीं लेनी, आपने ब्रेक जिस पे नहीं ना लगती उसके आगे आना है। दो दिनों रात हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और दो भाई जो बिल्कुल नकम्मे हैं, कोई काम नहीं करते, बहन के लाड प्यार ने और ज्यादा। भाई जो बेगैरत हैं, ये साथ लगाना है। ये दो भाई एक मिनट शर्म है। एक मिनट ये पूरी बात करो। मेरे भाइयों तुमने माइंड नहीं करना, पूरा मल्ला कहते हैं, इसने कह दिया तो क्या हो गया। अच्छा जी, आप काम नहीं करते, वो दोनों भाई जो काम नहीं करते, जवान है हालांकि इनको काम करना चाहिए, और वो बहन जिसकी मंगनी हुई हुई है, शादी रुकी हुई है भाइयों की वजह से, वो कहती है मेरे भाई पहले अपने पैरों पे खड़े होंगे तो मैं फिर शादी करूंगी। पैरों पे खड़े हैं ये, ईंटों पे खड़े हैं, ये देखो पैरों पे खड़े हैं। काम कोई देता ही नहीं। कल गए एक जगह पे, मैंने कहा हमने काम करना है, वो कहता चलो काम करो जाके। अच्छा अब मुझे आप यासिर भाई आप ये बताएं, यासिर यासर बेहोश कब मंगनी हुई थी शादी? जो हमें जो पता चला है कि इनकी वजह से रुकी हुई है, तो क्या इसका हल क्या निकालेंगे? बात पता क्या है, पहली बात तो ये कि इतनी लंबी बात ना किया करो, ठीक है? ये मेरी मंगनी जो ये हुई है 1992 पे। इतना लंबा तो कहो कैसे? कितने सौ लगा दिए आपने? 1992 में मंगनी हुई है। उस वक्त तो दुनिया ही नहीं बनी थी, उस वक्त तो दुनिया नहीं बनी थी भाई। अच्छा, आपने 1992 में मेरी इससे मंगनी हुई और उसके बाद आज तक शादी नहीं हुई। हालांकि मैंने इसने खुद मुझे प्रपोज किया, मैं इसको ओए हम मैं तो एक तो कट के मारा ना हूं। सो चल बाजी से शादी करोगी? ये खामोश राय में, तुम भी खामोश, अभी निकाह नहीं हुआ, चलो खोते। स्वीट, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं भी तुम्हें बता रहा हूं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना, मैं तेरी दुम दे उते इंज करके वट्टा मारना तो इंजन करनी है। मैं तो दादा देखो होने वाला बेनोइया खोता कह रहे ये कोई तमीज नहीं। गल बताया ना कर तू, उन्हें एक बारी कह दू अगे तीन बारी कह दे। ले वेट जी यासिर आप बोलो। देखो मेरी बात सुनो जी, मैंने इसको प्रपोज नहीं किया, इसने खुद मुझे प्रपोज किया। मैंने तब प्रपोज किया था जब इसका प्लेक यहाँ पे पड़ता था, इसके बाल थे। वो अंदाजा कर लगे कितनी देर होगी मंगनी, उनको कुछ भी नहीं रहा, इतना टाइम गुजर गया। ये उस वक्त की बात है जब ये बाल यहाँ आते थे, यूं करके मैं करता था। अच्छा हल्का सा यूं? हाँ जी, और इसके इश्क में मैंने एक दफा यूं करके किया, मुड़ के बाल लब ही नहीं, किधर नु गए। अच्छा इसने मुझे प्रपोज किया, मैं हालांकि रंबो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं 1999 मैं यहाँ पढ़ता था ना अपना एचिसन में। एचिसन की आगे तुम एचिसन नहीं, आगे तुम छोले लगाते थे। एचिसन नहीं, तुम कानसन में पढ़ते थे, बल्कि तुम कुछ मुंह में पढ़ते हो। वहां मैं पढ़ता था यार। वैसे आपको तमीज है? एक मिनट, आपको तमीज नहीं है जी? नहीं, बेनोई से कैसे बात करते हैं? कैसे करते हैं? आप खोता खोता कह रहे थे और नहीं तो मेरी गल सुन ले, मेरी गल सुन ले। हां इन्हां दे हत्थों जलील कराण च तेरा 90% हाथ है।
نکل جاندی کتے دی کتے تو موڑ کے پھر لے آنا جی مجھے دیکھیں یاسر بھائی مجھے یاد ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اتنے پیارے لگ رہے ہیں اس نے جب سے کھوتا گیا مجھے لگتا ہے کہ انہیں کچھ آواز آئے گی ذرا پھر کرنا تم نہ کرنا وہ خود کھڑا کر دیکھو یار نشو بیگم کو پتا ہی نہیں چلا کہ میرا دماغ چھوٹا کھوتا بھائی میں نے کافی پینا پی کافی ادھر سے نا بستے میں سے کاپی نکال کے بیچ چینو ڈال لو بند کر دیا یہ بھائی میں پانی پیتا ہوں اب میں ہو چکا ہوں سیریس بھائی میں پانی پینے لگا ہوں تھوڑی دعا کرنا میں زیادہ پی لوں زیادہ نہ پینا کیوں ہاں پھر تم یوں یوں کرنے لگ جاتے ہو جب یہ پانی پیتے نا تو بھائی جان کہتے پیو پیو جب یہ پیتے میں کہتا ہوں چھیو 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 یار تمہیں شرم نہیں آتی میں بڑی محبت کرتا ہوں شرم نہیں اگر میری اس سے منگ اے گل بتائی نا میں تو دس دینا ہلو میں بڑا رہا میں ویسے بات کر رہا خدا کی قسم میری بستی تو کرانا دیکھا یہ ہے اس میں بات کر ابھی یہ ڈیسنٹ بنا ہوا تھا ہونے والا پنوئی اچھیو اچھیو یہ بھینسوں کو کرتے ہیں ٹھنڈوں کو بھی کرتے ہیں یقین کرو میں آپ کی بہن سے شادی کر رہا ہوں برا لگتا ہے یہ میری آپ گریڈ نہ سمجھے کیا خدا کی قسم یہاں سے بھی بری لگ رہی ہے خدا کی قسم میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں میں بھی اللہ کی قسم کھا کے قریب سے اس کو اگر آ کے دیکھے نا آپ اگر قریب سے آ کے دیکھے میں نے اس سے منگنی کر لی ہے اس کا منہ دیکھو سنڈا آوارا کھوتا ریمبو تو یقین کر ایتھے تو آگے بہ جا ہاں جی اگر تو اتنا شادی کر جائے نا میں تن 2 لاکھ اور دیاں گا تو قریب تو آگے دے دیر لگتا ہے خسرا مرمت کرایا ہے ویلکم بیک خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے جی ریمبو میں بتا دوں میری بات سن لو آپ چپ کر رہے بالکل سیریس ہوں میں اوئے چپ اے کیا اوئے میرے بھائی کو آئی نہیں کہنا اچھا پتہ ہے آج گلی ایر کا منہ ایک میں ٹھہر جا اچھا کی باجی کماری ہے نے کڑی گلی ہے میں بات کر رہا ہوں تم سے ایک منٹ اچھا ایک منٹ میری بات سنو یہ اللہ کا تم شکر ادا کرو کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں تم شکر ادا کرو تیرا پنگ پینے والی باندری ارگا منہ ہے لیکن میں شادی کر رہا ہوں شکر کرو یہ میری گریننس ہے شکر کرو اگر پنگ پینے والی ساتھ بیٹھو شکر ادا کرو آپ اس کے ساتھ بیٹھو آپ کو لگے گا خسریاں کا گرو بیٹھا ہے بھائی بیٹھا ہے کڑیاں سویرے اردو بازار کھڑوتی حاجی صاحب گتے کیا لوا اگر دیکھیں یاسر بھائی میں چھوٹی سی بات کروں گا اگر یہ بھنگ پینے والی باندری لگتی ہے نا آپ کو غور سے دیکھے نا تو لگتا کہ پچ پینے والا کھوتا اچھا تم نے اس بات کا اتنا غصہ کیا لگتا تم بھی اس کے بھائی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی ہیں چھوڑ دو شادی یہ اللہ کا شکر کرو میں شادی کا برات ہو جائے گی شادی والے گھر شادی والے گھر سلور کا کٹورا لے کے بڑی آدھی حاجی صاحب تھوڑا شہرت پا دے آیا ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਤੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਹਮ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹਾਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਲੰਗ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਘਰ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ آج آپ لوگوں نے بہت انتہا کر دی ان لوگوں نے مجھے ذلیل کر دی اس خاندان نے مجھے ہم نے کیا پورا ملا کر دیا تمہیں ہم نے ذلیل کر دیا ایک منٹ یاسر بھائی جی آپ ذرا آپ ٹھنڈے دماغ سے اوکے 2 منٹ بات ٹھنڈے دماغ سے سر تے برف لا لا رخسانہ بہن اوکے رخسانہ بہن رخسانہ بہن دماغ دے تھوئی نظر آ رہا ہے اب مجھے یہ بتائیں جی
मैं खामोश हूँ, रुखसाना बहन आप भी चुप रहिए। आपकी नहीं हमारी बहन, आपकी आपकी मंगेतर है। ओके देखो जी, बहन की शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ जी, आप लोग कोई काम करें। असी भैन दे ब्याह ते बड़ा काम करांगे, तंबू लावांगे, कुर्सियां रखांगे। ये भी काम ही है यार, अपना कोई काम करें ताकि वो शादी करे उसके दिन। मैं अपनी बहन की शादी पे ना जर्दा खाऊं। बेटे अब सीरियस बात है कि अब आपकी बहन की शादी हो जानी चाहिए। हाँ जी, अगर और दो चार महीने ये लेट हो गई मुछा निकल आनी है। मैं तुम दस दिया बड़ी नवी गल दसी। हाँ ओ ना अमित जी, मैं शादी तो बाद बजाय होर कुछ बना दे इन रक्षा लैके दिया। हमारी बाजी इतनी खूबसूरत है, खुद देखो डोरेमोन। मैं हूँ पोपाई का सेलर, मैं हूँ। मैं ये ऑरेंज लाइन बन रही है ना। हाँ जी। मैंने उधर एप्लीकेशन दी हुई है, वो कहते हैं जब हम ना इसको चलाएंगे। हाँ। सबसे पहले तुम दोनों को नीचे देंगे। मैं अपने आप मैं एक एक बात बता, आप दोनों की वजह से ना उनकी जिंदगी खराब हो रही है। अच्छा, आप कोई काम करें, आप अपनी बहन को बताएं कि हम कमाने लग पड़े। यही यही एज है अभी, अगर मेरी यंग एज में शादी ना हुई, कब होगी? कब होगी? बताया नहीं, ये खांग। और ये तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मुझसे 8 साल बड़ी है, फिर भी मैं शादी कर रहा हूँ। सिर्फ 8 साल बड़ी है, कोई बात नहीं, आप भी इनसे 8 मन ज्यादा बारी है। वो ठीक है, खाते पीते घर के बिल्कुल साथ वाला हमारा घर है। मुझे पीते नहीं, नाश्ते। आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी शादी हो, तो आप थोड़ी देर चुप बैठो। मैं तो चाहता हूँ कि इनको भगाओ, अभी करवाओ। क्यों भगाओ? हम अपनी बहन को जहेज देंगे। हाँ। क्यों नहीं काम करते? आप अपनी बहन को जहेज नहीं देंगे। जहेज देंगे आपको। पेटियां रखने वाली रजाई चुप कर, साड़ी भी सुन। बांधने वाला संगल दूंगा, और मैं अपने बहनोई को खुरली दूंगा। एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज का टाइम हो गया। वो कौन है जी? ये हमारा टेलीविजन है, इस पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है। अच्छा, कौन बाजी? मैंने टेलीविजन लेना। मैं ले दूंगी अपने भाई को मिठू। मैंने कोई मुश्किल नहीं है, मैंने जॉब करती हूं तो क्या मुश्किल है। मैंने ब्रेकिंग न्यूज लेनी, मैंने ब्रेकिंग न्यूज लेनी है, जो खबरें पढ़ती वो भी लेनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजर अली, आप देख रहे हैं CIA न्यूज। चलते हैं हेडलाइंस की। चलो यार, चलो किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? क्या है, पता नहीं क्या यार, मेरे को नसीब ही माड़े। क्या हुआ? जिहड़ी कुड़ी नजर आउंदी ओही माड़ी। माड़ी क्या मतलब? माड़ी क्या मतलब? माड़ा ते माड़ा सही यार। इस बंदे को किसी चुड़ैल के मुंह पे कराओ। उधर चुड़ैल पे मुंह पे कराओ, तू इधर कर ले मुंह। होने वाला हस्बैंड। हम दोनों भाई हैं, ये हमारी बहन है, वो हमारी बहन हुई। आप लोग क्या करते हैं? ये मेरी मंगेतर है, ये मेरा साला है, ये मेरी साली है। हाय हाय, व्हाट डू यू डू? जी, आज की ब्रेकिंग न्यूज जो अभी अभी तक हम तक पहुंची है आपको सुनाने के लिए, सबसे पहले इसका क्रेडिट CIA न्यूज ने पहुंचाई है। जी, ये खबर बहुत ही खतरनाक है, इसको सुनिए। चलो चलिए, खतरनाक खबर दे। चलो उठो, खतरनाक अचानक ठा होवे कौन करेगा। नहीं, कैसे खतरनाक कह रही है? आपसे खतरनाक जी, आप बैठे, आप बैठे। अच्छा अच्छा, खतरनाक खबर है, कॉल हो जा, तू तो जा ना। जी जी, बाजियों की कमाई खाने वाले भाइयों के बारे में अहम इंकशाफात। जी, साइंसदानों की हालिया तहकीक के मुताबिक बाजियों की कमाई खाने वाले भाई ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, फेफड़ों के मसाइल और मेदे के अल्सर जैसी बीमारियां उनका मुकद्दर बन जाती हैं। पेट में दर्द, ज़हनी शिकार के तो नहीं है,
फेफड़े वाली गल तो इधर है। उधर देख, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी बाजी तुम्हें नए फेफड़े ले देगी। बाजी हम कितने, अच्छा कितने मशहूर है ना, किसे बकरी दे फेफड़े लेके देगी खान वास्ते। देखो भाई ने हम कितने मशहूर है, हमारी ब्रेकिंग न्यूज चल गई। हाँ लेकिन मेरे पेट में ना हल्की हल्की दर्द रही, मैदे की मर्ज मुझे लग रही है। मैदे की नहीं, अल्सर भी होगा। तुम खाना खा के वॉक किया करो ना, सो जाते हो, मूवीज देखते हो। वॉक किया करो, ग्राउंड पे तो सारी घास चुकी हुई है। कोई नहीं, तुम आ जाए करो, यहाँ घीसियाँ कर लिया करो। जी आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के एक बुक स्टॉल पर किताब देखकर अमरीकी डॉक्टर को हार्ट अटैक। किताब का अनुवाद था 30 दिन में डॉक्टर बनिए, कीमत सिर्फ 120 रुपए। 30 दिन में डॉक्टर। देखो तुम वही किताब पढ़ो। क्या मतलब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? नहीं, क्या हार्ट अटैक हो जाए। नहीं, हम किताब पढ़ के डॉक्टर बनेंगे और पहला ऑपरेशन पाइन का करना। मेरे भाई तुम्हें कभी भी कुछ ना हो, हार्ट अटैक हो तुम्हारे बहनों ही को। अच्छा अल्लाह करे हो, जो होगा। नहीं नहीं, ये जो किताब है ना, मेरा तो दूर दूर तक चांस नहीं है। ये जो है ना किताब 30 दिन में, ये इस तरह की पढ़ के बहुत सारे डॉक्टर बने हुए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ है, आजकल न्यूज पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे अताई डॉक्टर हैं, वो यही पढ़ लेते हैं जी, इस बुखार के लिए ये गोली, इसके लिए ये टीका, इसके लिए ये लिखा होता है। किसी भी होते हैं ना, मलेरिया बुखार, डेंगू बुखार, तो इस तरह की किताबें वहाँ छपने नहीं देते। तो ये पाकिस्तान में ही है, तो इसलिए उस बेचारे को अटैक हो गया जब पढ़ा है कि 30 दिन में डॉक्टर। मैं तो सारी उम्र लाई है, हूं जाके बने 30 दिन डॉक्टर। उसको 30 दिन में हम डॉक्टर बनाते हैं। जी अगली खबर। जी बॉम्बे की एक बेकरी में चॉकलेट की सैंडल्स बनने शुरू हो गईं। लोग जोक दर जोक आकर सैंडल्स खा रहे हैं। बाजी मैंने सैंडल खाना है। मैं अपने भाई को ले दूंगी सैंडल खाना। इधर आओ मैं मारती। वो बहुत दूर है दिल्ली, बहुत दूर है। मैंने सैंडल खाना। मैं यही आपको मार देता हूँ। सैंडल तो बहुत है, चलो सब सब मिलके सैंडल मारो। ने नहीं, चॉकलेट वाला सैंडल। सैंडल खाना है। आपने हाथ में पकड़ के खाना या छडवा खाना है? छडवा कौन सा होता है? चॉकलेट वाला खाना है। चॉकलेट वाला, चॉकलेट वाला। तो उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ चॉकलेट। हाथ में पकड़ के ऐसे खाने वाला छडवा जरा दूरों आंदा ठा। नहीं वो तो चॉकलेट सारी बिखर जाएगी। नहीं नहीं, मुंह खोल के बैठना ना। नहीं देखो के बनाने वाले चॉकलेट का भी अपने चप्पल बना दी, सैंडल बना दिए। देखो हमने गारे का महनोई बना दिया है। फिटे मुंह तुम्हारे यार। आप इतने बदतमीज बच्चे नहीं देखे, होने वाले बहनोई को ये इनको ये नहीं पता होने वाले। गल ना बता रैंबो, गल ना बता। मैं बात कर रहा हूं, ना बता ना गल। गारे का ये नहीं पता इन, ये सारी चीजों के बदले में तुम्हारी बहन से लूंगा। अच्छा, इसको तंग करूंगा, रोटी नहीं दूंगा, कपड़ा नहीं दूंगा। मेरे भाई हूँ, आप रिलैक्स हो जाओ, ये सारी उम्र मुझे तंग नहीं कर सकता। कैसे? आवारा खोता। खोता वैसे आप क्यों नहीं बोलते हो खोता? वो न्यूज वाली। मैं समझ रहा था आपके भाई बेवकूफ है। मैं समझ रहा था यही बेवकूफ है। आप भी जाहिल है। आपको भी कुछ शर्म या नहीं? होने वाले कोई लत्ती चढ़ी है? इसको कोई लत्ती चढ़ी है? कितना बदतमीज आदमी है ये, आपको एहसास है इस बात का? हाँ हाँ हाँ। वेट करो 20-25 साल। बिल्कुल, तो उस तो बात रह की जाना। अगली खबर। नहीं वैसे हमारे बहनोई के पास बड़े पैसे हैं, ये बड़ा रिच है। पैसे बल जी। जी परवाज में धुलाई, पाकिस्तानी शौहर की बीवी ने इंटरनेशनल फ्लाइट में सोए हुए शौहर के मोबाइल का लॉक खोल लिया और उसके मैसेज पढ़कर सोए हुए शौहर की धुलाई शुरू कर दी। शौहर को बचाने के लिए कैबिन क्रू की भी बेगम के हाथों धुलाई, हंगामी बुनियादों पर तैयारा उतारना पड़ा। ये सीन साथ हो ना, फिर मजा आए, फिर मजा आए। वाह वाह वाह, इसके साथ नहीं हो सकता। क्यों? इसको तैयारे में कौन बिठाएगा? दूसरी बात, उस औरत ने अपने मियाँ के अफेयर्स देख लिए थे। इसको तो चंगड़ी भी मुंह नहीं लगाती। वाकई मुझे चंगड़ी मुंह नहीं लगा रही, पता नहीं कब लगाएगी। हम चंगड़स नहीं है, आप गंदड़स हैं।
वैसे तो टाइम होता नहीं है, जहाज में बड़ा टाइम होता है। उसने लॉक को 8-10 दफा ट्राई किया होगा, एक लग गया होगा, कमाल है। उसका फिंगरप्रिंट लगा, हाँ, सोते सोते उसने उसका लगा दिया होगा। अभी तो शुक्र है कि उसने अपनी बेगम के नहीं चेक कर लिए, वरना वो कत्ल हो जाती। क्या मतलब है? मेरे भाई ने जब मोबाइल, अच्छा नहीं, मुझे बताएं, आप अभी आपकी शादी नहीं हुई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये खावन जिनके आते हैं तो पढ़ के उसी वक्त डिलीट क्यों नहीं कर देते? इन्होंने फड़ा जरूर तजर्बा, तजर्बा बोला है, देखो पागल है। हाँ, जिनको नहीं ये काम आता सीखना चाहिए। हमारे बहनों ने जब नया नया मोबाइल लिया ना तो लोग फिंगरप्रिंट लगाते हैं, हमारे बहनों ने टिंड प्रिंट लगाया। ये वो वॉइस मैसेज उससे खोलते थे, सिर्फ मोबाइल पकड़ के बगैर चल गया। हम जो फिंगरप्रिंट नहीं करते थे टिंड पे, जूता मारते थे खुल जाता था। नहीं, जब भाई है ना, जब भाई जन मोबाइल पर अपनी टिंड लगाते, नीचे से मोबाइल करता। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग माईदी चुगी में रहते हैं? हम अपनी औकात में रहते हैं। तुम कहाँ रहती हो? हम अपनी बहन के घर में रहते हैं। आप लोग बहन के घर में रहते हैं? आप लोग माईदी चुगी के रहने वाले हैं? नहीं, ये माई की चुगी के नहीं, ये बहन की चुगी के हैं। ये चुगी खुद कह रही है, माई की चुगी, माई की चुगी। जी, सीआईए न्यूज से हफ्ते के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बुलेटिन में। ये अब जो है ना, मेरे भाई मेरी बात सुन ले। बाजी, मैंने नमकीन हलवा खा लिया। नमकीन हलवा कौन सा होता है? जाहिर है, पिछली दफा भी ना मीठा हलवा खा लिया था, खा के उठा तो कीड़े पीछे चल पड़े। चले जी, एक मैंने चिकन फलूदा, मेरी बात सुन ले, मेरी ले दूंगी। हेलो हेलो, एक मिनट मेरी बात सुने, मुझे ब्रेक पे जाना है। आपकी बहन की उम्र गुजरती जा रही है। अच्छा, आपके बहनोई के भी बाल उड़ चुके हैं। हाँ, इनकी शादी होने दें। कभी रोमांटिक होते? आप अपना कोई काम करें। अच्छा, अपना घर, इनका घर बसाने दें और अपना घर भी बसाएं। सारी जिंदगी इनकी बहन के सर पे बैठे रहोगे। आपकी बातों ने, कौन बहन के सिर पे बैठता है? मूढ़े पे बैठते, कुर्सी पे बैठता है? आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी है। अच्छा, थोड़े में ये खुन्ने भी खोलने हैं। ये देखो, फिर जब तक हमारी बहन को अब सुलह नहीं करेंगे, उनके साथ कोई गाल नहीं का, उनको मनाएंगे नहीं, हम नहीं इनसे बात करेंगे। आप बरात लेके आएंगे? हाँ। जी, बरात लेके आएंगे? नहीं, मैं डाकू लेके आऊंगा आपके घर। नहीं, कितने बंदे आएंगे? कितने बंदे आएंगे? बंदे 100-150 बंदा होगा। हम एक सर पे शादी करेंगे। हाँ। जी, तुम ना आना। चलो चलो, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। हाँ।